उत्तर कोरिया घूम फिरकर अपने एजेंडे पर कायम। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 8 दिनों की कांग्रेस के बाद किम जोंग उन का ऐलान। अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा उत्तर कोरिया। अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में अपने 9 साल के शासन में सबसे बुरी चुनौतियों का सामना कर रहे किम जोंग उन ने उद्घाटन भाषण में अपनी आर्थिक नीतियों की विफलता के लिए माफी मांगी तो ऐसा लगा था कि शायद उत्तर कोरिया का रुख बदलेगा और कांग्रेस के दौरान पार्टी देश के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए नई नीतियां बनाएगी। लेकिन 8 दिन के सम्मेलन के बाद परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने का ऐलान कर किम जोंग उन ने संकेत दे दिए हैं कि परमाणु ब्रह्मों के प्रति उसका जो शगल था वह हरगिज कम नहीं हुआ है और उसके लिए ताकत और उसकी नुमाइश सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए किम ने कहा कि परमाणु हमले के प्रतिरोध की क्षमता को विकसित करने के साथ साथ ही अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी होगी। किम ने और ज्यादा अत्याधिक परमाणु हथियार बनाने का ऐलान किया है। इनमें लंबी दूरी के ऐसे मिसाइल भी शामिल हैं जिनसे सीधे अमेरिका तक निशाना साधा जा सके। इसके अलावा जासूसी विशेषज्ञों का कहना है बहन के बढ़ते प्रभाव से किम जोंग उन चिंतित थे। अटकलें ये भी है कि किम को बहन की वजह से अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था। हालांकि किम ने अपनी बहन को राजनीति छोड़ने के लिए विवश नहीं किया है जबकि वहां आमतौर पर नाकाम नेताओं के साथ ऐसा ही किया जाता है। किम यो पार्टी के सेंट्रल कमेटी की सदस्य बनी हुई है। किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया की आलोचना करते हुए जो बयान जारी किया है उसमें उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने उनका पद वाइस डिपार्टमेंट डायरेक्टर बताया है जबकि पहले वो फर्स्ट वाइस डिपार्टमेंट डायरेक्टर थी। अभी जो पद बताया गया है वो पहले वाले पद से नीचे है यानी उनका डिमोशन हुआ है।